सितारगंज LIC अभिकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में उपस्थित कुछ एडवाइजर्स का कहना है कि हम सभी कर्ताओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। जैसे कि LIC का एडवाइजर फील्ड में जाकर वर्क करता है लेकिन उसको उसका मेहनताना नहीं मिल पा रहा। LIC के द्वारा बोनस रेट भी घटा दिया गया है, लोन में ब्याज ज्यादा लिया जाता है। एडवाइजर्स का कहना है कि अगर हम पॉलिसी कम करते हैं तो हमारी पॉलिसियों कोई दूसरा एडवाइजर अपने अंडर में ट्रांसफर करा सकता है, जिससे कम काम करने वाले एडवाइजर को नुकसान होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर एक बार 5 सितंबर को हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें हमारी मांगों को सुना और सुन के अनसुना भी कर दिया गया, जिससे कि हमें पुनः 30 तारीख को फिर से आंदोलन के लिए जो है ये कार्य शुरू करना पड़ा है। और हमारा जो फेडरेशन है वो ये कह रहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम इसको इस धरना को जारी रखेंगे। दूसरी बात, सबसे मेन चीज़ हमारे जो है वरिष्ठ अभिकर्ता जो हमारे श्री गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक ग्रेचुटी की जो बात करी है, हमारा अभिकर्ता चाहे जितना पुराना हो जाए उसको चाहे ग्रेचुटी जो हमारी इससे ज़्यादा मिल रही है तो उसको के लिए भी जो है एक कैलकुलेशन करके वो 3 लाख ही देते हैं, जबकि एक हमारे यहाँ 4th क्लास का जो कर्मचारी होता है उसको अगर ग्रेचुटी 20 लाख मिल रही है तो उसके लिए कोई जो है गुणा भाग नहीं होता, उसको 20 लाख दिया जाता है, जबकि हमारा जो है अभिकर्ता उसको 20 लाख से भी ऊपर ग्रेचुटी मिल सकती है लेकिन उसको जो है गुणा भाग करके 3 ही लाख देना है उसको। धरना पे बैठे हुए हैं, अभी तक हमको आश्वासनों के अलावा कुछ मिला नहीं है, हमारी मांगों को नहीं माना गया है। ये धरना प्रदर्शन अनवरत उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाए। इस संदर्भ में हमारे फेडरेशन ने एक और कॉल की है, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 11, 12, 13 अक्टूबर को हम पुनः एक साथ 3 दिन के लिए यहाँ धरने पर बैठेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम संघर्ष जारी करते रहेंगे और अपनी मांगों को मनवाते ही रहेंगे। देखिए ऐसा है, कुछ चीज़ें इनके लीडर्स की डिमांड है, अब उसमें कुछ डिमांड ये है कि कॉरपोरेशन से हैं, कुछ डिमांड सरकार से हैं, कुछ डिमांड IRDA से हैं, और जो इनके इशूज़ हैं कि जैसे कमीशन कम हो रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। हमें जो पता चला है कि कमीशन का बाइफर्केशन होने का है, कमीशन कहीं से कम नहीं हो रहा है, उसमें मतलब ये कि पहले साल कमीशन कम करके उनको बाद के सालों में बढ़ा दिया जाए, तो उससे वो तो इसलिए निर्णय लेने की बात है, हालांकि प्रपोजल से अभी फाइनल डिसीजन कहीं से भी नहीं हुआ है, तो वो इस वजह से है कि इससे परसिस्टेंसी जो पॉलिसीज का है जो लगातार कम हो रहे हैं वो बढ़ेगा। एजेंट को भी इससे फ़ायदा है, कई बार कुछ चेंजेज ऐसे होते हैं कि कोई भी चेंज जब आता है तो कुछ लोग होते हैं उन चेंज को बड़े जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उस चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। पहले भी जब हमारे यहाँ कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो भी विरोध हुआ था, तो कंप्यूटराइजेशन हुआ बाद में, लेकिन अब उससे लोगों को फ़ायदा हुआ, अगर कंप्यूटराइजेशन ना होता तो संस्था नहीं सर्वाइव कर पाती। तो कंपटीशन के दौर में मार्केट की डिमांड के हिसाब से कुछ चीज़ें चेंजेज आते हैं। और जहाँ तक अभिकर्ताओं का सवाल है, मैंने अभिकर्ताओं से बात करी और मेरा व्यक्तिगत भी विचार है कि संस्था किसी प्रकार से कोई ऐसा निर्णय नहीं लेने वाली है, न लेगी, जिससे हमारे अभिकर्ताओं का कोई भी नुकसान हो, क्योंकि तो